मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेरी टीबी की कहानी चरण दो पहले का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बैठक के दौरान मूल्यवान जानकारी और सुझाव प्राप्त होंगे, जो इस खतरनाक बीमारी से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 टीबी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बीमारी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों में राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी के मरीजों की सुविधा के लिए पिछले दो वर्षों में प्रारंभिक स्तर पर ही टीबी का पता लगाने के लिए राज्य में मोलिकुलर प्रशिक्षण सुविधाएं शुरू की गई हैं और 5 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। शीघ्र ही इस सेवा का विस्तार शेष जिलों में भी किया जाएगा। अभी इस बार अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज है, जिसमें टीबी को भी हम आपने जो कहा है उसको सम्मिलित करेंगे। वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने दो मेडिकल कॉलेज को चुना है, IGMC को और टांडा को, जहाँ हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के लिए डॉक्टर्स को 8 घंटे ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्या होता है कि SRCM में आप 72 घंटे काम करवा रहे हैं और माइंड तो उतना ही टायर्ड होगा, वो क्लियर देख नहीं रहेगा। हम छोटी स्टेट है और एक स्टाफ नर्स हमारे यहाँ NHM के नियमों के तहत 12 पेशेंट्स को देखती है, तो 12 पेशेंट की जगह हमने अभी कहा कि 6 पेशेंट को ही देखेंगे। पैरामेडिकल के स्टाफ को भी हम स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं। हमने पूरे मेडिकल कॉलेज में जो हर विधानसभा क्षेत्र में है एक एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया है, उसमें 6 डॉक्टर स्पेशलिस्ट रखे हैं, 9 हर एक नर्सिस रखी है। PSCs को हम काम चेंज करने जा रहे हैं, उसकी SOP हम बदलने जा रहे हैं। PSCs में जो डॉक्टर होगा, जो हमारी स्टाफ नर्स होगी और जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, वो अब घरों में जाकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सब प्रकार से टेस्ट और इलाज करेंगे।